नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कनाडा ने अपने ताजा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। बयान में कहा गया है कि कनाडा के पास प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल को कनाडा के भीतर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें कि कनाडा ने वहां के दी ग्लोब एंड मेल नाम के अखबार में भारतीय प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद ये बयान जारी किया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि आरोप काल्पनिक और गलत हैं। इसमें लिखा है कि 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों के सार्वजनिक आरोप लगाए थे। कनाडा के अखबार में छपी रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए थे कि हरदीप सिंह निच्चर की हत्या की कथित साजिश में शीर्ष भारतीय नेताओं का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेग स्थित विश्व न्यायालय ने इसराइल के नेताओं के खिलाफ यह वारंट गजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जारी किया है, जहां वह हमास और हिजबुल्ला के साथ युद्ध में हैं। एक आधिकारिक बयान में विश्व न्यायालय ने कहा कि चैम्बर ने दो व्यक्तियों बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए यह वारंट जारी किया है। यानी अगर सरल भाषा में कहें तो इसराइल के दोनों नेताओं पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्य शामिल हैं। साथ ही युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का युद्ध अपराध भी शामिल है। इसराइल ने ICC की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इसराइल का कहना है कि ऐसा फैसला ICC के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इसराइल के प्रमुख विपक्षी नेता यायर लिपिट ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया। वहीं इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स हैंडल पर वीडियो मैसेज में कहा कि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और इसका अंत भी उसी तरह होगा। आपको बता दें कि ICC पर हमला करते हुए नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में जिस ड्रेफस मुकदमे का जिक्र किया, वह एक राजनीतिक और न्यायिक घोटाला था जो 1894 और 1906 के बीच फ्रांस में हुआ था, जिसमें अल्फ्रेड ड्रेफस नामक एक यहूदी फ्रांस के सेना अधिकारी को जर्मनों को सैन्य रहस्य बेचने के कथित राजद्रोह के मामले में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और उन्हें फ्रांस की सेना में बहाल कर दिया गया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसका नेतृत्व भी एक फ्रांसीसी न्यायाधीश कर रहे हैं, इस अपमानजनक अपराध को दोहराया जा रहा है। यह मुझ पर इसराइल राज्य के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगा रहा है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाए जाने के बाद आज शुक्रवार की सुबह के कारोबार के दौरान अडानी समूह की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 8 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। PTI के मुताबिक BSE पर अडानी ग्रीन एनर्जी में 10.95% और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 8.57% की गिरावट आई और यह 52 सप्ताह के निचले स्तर 637.85 रुपए पर आ गया। इसके अलावा समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6.98% गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 2030 रुपए पर आ गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जरूरी संख्या बल मिलता है तो वह सरकार बनाने लायक पक्ष को चुनेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कल PBA को महाराष्ट्र में
सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को समर्थन देने लायक संख्या बल मिलता है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सके। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने संभल मस्जिद मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के एक आदेश के बाद रात को ही सर्वे कराया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करते हुए दायर याचिका के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंध समिति के सदस्यों की मौजूदगी में एक सर्वेक्षण किया गया। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया है। आज शुक्रवार से शुरू हो रहे इस अभियान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी दिया, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया। हमने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, लेकिन भाजपा ने इसका भी विरोध किया। भाजपा दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की जा रही सभी योजनाओं के खिलाफ है। इसलिए अब हम लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें आश्वस्त करेंगे कि केजरीवाल की रेवड़ी जारी रहेगी और कोई भी भाजपा वाला चाहे जितना रोकने की कोशिश करे वे सफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया और घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही है। बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने कहा कि सुकमा जिले के कोंटा और किस्टाराम इलाके में माओवादियों के बारे में सूचना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ के जवानों की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जहां जंगल पहाड़ी में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार अभी तक सर्च ऑपरेशन में 10 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके अलावा मौके से इंसास राइफल AK-47 SLR सहित कई हथियार मिले हैं। और भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर बुधवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। अब अडानी ग्रुप पर लगे इन आरोपों के बाद केन्या सरकार ने गुरुवार को अडानी ग्रुप के साथ किए सभी समझौते रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। केन्या राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों की मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के खिलाफ हों। उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हों। आंध्र प्रदेश में YSRCP शासन के दौरान सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के लिए अडानी समूह को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दोषी ठहराए जाने के मुद्दे पर YSRCP ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि उनका अडानी के साथ कोई सीधा समझौता नहीं था। एक बयान में पार्टी ने कहा कि 7000 मेगावाट की बिजली खरीद को नवंबर 2021 में AP विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। गौरतलब है कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी और उनके भतीजे सागर सहित 7 अन्य पर अमेरिकी न्याय विभाग ने महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राज्य सरकारों के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जिससे संभावित रूप से 20 वर्षों में $2 बिलियन से अधिक का लाभ कमाया जा सकता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने
मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को लेकर अब खड़गे को एक पत्र लिखा है। नड्डा ने पत्र में लिखा कि चौंकाने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। आपकी सरकार के तहत भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल की यह पूरी तरह से विफलता का एक प्रमुख कारण है कि उग्रवादी और आदतन हिंसक संगठन मणिपुर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को नष्ट करने और इसे कई दशकों पीछे अराजकता के युग में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आगे लिखा कि हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस के विपरीत हमारी सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। नड्डा ने कहा कि भारत की प्रगति को पटरी से उतारने की चाहत रखने वाली विदेशी ताकतों के गठजोड़ का समर्थन और प्रोत्साहन देने वाले कांग्रेस नेताओं का यह पैटर्न वास्तव में चिंताजनक है। इन व्यक्तियों के दुर्भावनापूर्ण इरादों को पहचानने में इस विफलता के परिणाम स्वरूप आपकी पार्टी अक्सर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आती है। क्या यह विफलता कांग्रेस की सत्ता की लालसा के कारण उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण अंधेपन का परिणाम है या लोगों को विभाजित करने और हमारे लोकतंत्र को दरकिनार करने की सावधानी पूर्वक तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है? नड्डा ने कहा कि यह हमारे देश को जानने का हक है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव मिलने के बाद मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद राज्य की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्डलाइनर रिपब्लिकन मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के 8 दिन बाद गेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। मैट गेट्स के नाम पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया था। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग तो नाम की घोषणा होने के बाद से ही सवाल उठा रहे थे। गेट्स ने पिछले हफ्ते ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल एथिक्स कमेटी के पास उनसे जुड़े एक मामले की जांच चल रही है। उन पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। हालांकि गेट्स ने इन आरोपों को खारिज किया है। मैट गेट्स के नाम वापस लेने के बाद अब ट्रंप ने उनकी जगह पैम पोंडी को अटॉर्नी जनरल बनाने की घोषणा की है। पैम पोंडी फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और ट्रंप की वकील भी रही हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल पैम पोंडी अमेरिका की अगली अटॉर्नी जनरल होंगी। पैम पिछले 20 सालों से एक प्रोसिक्यूटर रही हैं और हिंसक अपराधियों को लेकर बहुत ही सख्त रही हैं। फ्लोरिडा की सड़कों को सुरक्षित बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। फ्लोरिडा की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में पैम ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ शानदार काम किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।